नमस्ते बच्चों, आप शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहे होंगे क्वेश्चन। हमने कहा था ये संभवतः लास्ट क्लास हो जाएगी आज, तो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें से हम देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहिए, आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये आज आपको फायदा नहीं शायद दिख रहा होगा, लेकिन आप जब बोर्ड एग्जाम दे के आएंगे तो आप लगेगा कि हाँ, कि सर के साथ जुड़े रहें तो पेपर बहुत अच्छा हुआ। लगभग सारा को पेपर जो है जितना पढ़ाया गया उसी के अंतर्गत बना हुआ है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा। बाहर से हो गया उसमें होगा क्या, बहुत ज़्यादा उसमें एक आध संख्याएं इधर से उधर चेंज हो सकती हैं, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जैसा हम पढ़ाएंगे बिल्कुल वैसा ही पेपर आएगा, और आप पेपर जब दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सर ने वाकई बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो उसमें नंबर भी अच्छे आए हैं। और जो लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं या जो उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको लिए तो बहुत सख्तदायक है कि वो लोग इतना पछताएंगे बाद में आके कि शायद यही सोचेंगे क्लास देख ली होती सर की तो बहुत अच्छे नंबर आए होते। और जो पीछे की क्लास हैं, आप उनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आप जानते हैं, रिवीजन मैथ रिवीजन मांगती है। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप उसे पढ़ेंगे, तो आपके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे, है ना। तो आप जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। आप ये सोचिए कि हम खुद आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपसे कोई फीस तो नहीं लेते। आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हैं, वहाँ फीस पड़ती है 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। आप घर में ट्यूटर बुलाते हैं, उसमें भी फीस लगती है। हम तो आपसे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। हम तो आपसे यहाँ तक भी कहते हैं, आप चाहे जहाँ हम मिल जाए आप वहाँ हमसे सलाह ले सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तो सलाह किस बारे में लेंगे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछेंगे, तभी तो पूछेंगे, वरना आपको जब पता ही नहीं है तो पूछेंगे कहाँ से आके, है ना। तो आप वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तो फिर अपने आगे की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल उसी तरीके से है। और देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, जब आप एक बार पढ़ लेंगे उसे लगेगा बहुत आसान है। तो क्वेश्चन कहा गया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो बटन खुल गई, चलिए कोई बात नहीं, सब जानते हैं, अरे भाई क्या होगा। चलिए कहा गया है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। कहा गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को आधार की समांतर, आधार के समांतर बीच से दो बराबर भागों में विभाजित किया गया है। फिर कहा गया है, दोनों भागों की आयतनों का अनुपात पूछा गया है यहाँ पर। और एक बार फिर से क्वेश्चन को कायदे से पढ़ेंगे। कहा गया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पर बताया गया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को, मतलब एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। फिर से एक बार कुछ ऐसा,
अब जानते हैं संघ कैसा होता है। कुछ इस तरीके से संघ का आधार होगा और इसकी ऊंचाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। मतलब यहां से ये जो ऊंचाई है ये है 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ये ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और इसमें बताया गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। मतलब इसकी जो त्रिज्या है यह है 8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गई। फिर उसके बाद कहा गया है, उसके बाद बताया गया है कि वाले संघ को आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और इसको बिल्कुल बीचों बीच से, बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे 2 भागों में काट दिया गया। बिल्कुल बीचों बीच से मतलब है कुछ ऐसा बीचों बीच का, और बीचों बीच से मतलब इस चीज से है कि ये टोटल ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो ये इतना जो भाग होगा ऊपर की जो ऊंचाई होगी इसकी ऊंचाई हुई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। वैसे ही नीचे की जो ऊंचाई है वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर हुआ, बिल्कुल बीचों बीच से काटा गया। तो उसके बाद यहां पर जब काट दिया जाएगा तो यहां का जो आधार एक या सिरा कहे ये भी वृत्ताकार ही होगा कुछ ऐसा। और उसके बाद जब दो भाग बने, एक ऊपर का ये भाग है और एक ये नीचे का भाग है, तो आप देख रहे होंगे कि इतना भाग यहां से यहां तक का जो भाग है ये एक शंकु है, ये एक शंकु है, और यहां से यहां नीचे तक का जो भाग है ये शंकु का छिन्नक है, शंकु का छिन्नक। क्लियर हुआ, तो एक भाग शंकु हो रहा है और दूसरा कहा गया है जो शंकु का छिन्नक है। और पूछा गया दोनों भागों के आयतनों का अनुपात, तो आप जानते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। वैसे ही शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πr²+r²+r1r2 और ×h। तो आप देख रहे होंगे h का मतलब क्या है, h होती है ऊंचाई, तो ये भी ऊंचाई ही है, क्योंकि बस अंतर यह भी फार्मूला बाद में लिखेंगे तो चेंज कर देंगे। ये संघ की ऊंचाई है और ये छिन्नक की, तो संघ की ऊंचाई बताया मैं 6 है और छिन्नक की भी ऊंचाई 6 है, दोनों बराबर है, तो चल भी लिख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये आर जो है, ये आर और ये वाली आर एक ही होगी, क्योंकि यहां पर ये वाली जो त्रिज्या है ये संघ की भी त्रिज्या है और छिन्नक के एक छोटे सिरे की भी त्रिज्या है। अगर हम नाम इनको दें, तो अगर हम इसके नाम डाल दें तो हम इस बड़ी वाली त्रिज्या को R1 कह लें, R1, और इसे नाम दे दें R2, R1 और R2, तो R2 हो जाएगी। अब समस्या यहां पर यह है कि हमें शंकु जो बन रहा है छोटा शंकु उसकी त्रिज्या पता नहीं है, है ना। तो सबसे पहला काम कि हमें इस छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। वैसे यहां पर भी अगर बात करें तो ये बड़ी सिरे की त्रिज्या R1 है वो जो 8 सेंटीमीटर दी गई है, और ये R2 ये फिर हमें यहां पर नहीं पता है। और जब तक R2, क्योंकि यहां पर भी R2 ही नहीं पता और यहां पर भी R2 नहीं पता है, तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा कि हम उसे पहले R2 को यहां पर ज्ञात करेंगे। तो जब R2 ज्ञात करेंगे तो वो देखो कैसे ज्ञात करना है आपको, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। R2 कैसे ज्ञात की जाएगी, यहां पे समरूपता का नियम लगाएंगे। जैसे यहां पर नाम डाल दें, यहां पर नाम डाल लिए जाए, जैसे ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, और ये बिंदु डाल दें ओ, और ये पी। क्लियर हुआ, तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज है अगर ये जो त्रिभुज देख रहे हैं यहां पर, ये त्रिभुज ए पी ई और त्रिभुज ए ओ सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, है ना। कैसे पता चलेगा, आप सोचेंगे यानी कैसे पता चलेगा, आपने छठे चैप्टर पढ़ा होगा त्रिभुजों से संबंधित प्रमेय का है, उसमें समरूपता आपने पढ़ी होगी, कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसका ये जो कि लंबवत ऊंचाई है तो यहां पर कोण 90 होगा, वैसे ये कोण 90 है,
ये कोण दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों जब समांतर है तो ये वाला कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे होंगे कि तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण जो है परस्पर बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो समरूपता के हिसाब से अगर देखें इसलिए तो क्या करें, इसका लंब बटे आधार, इसका लंब बटा आधार, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस छोटे त्रिभुज के लंब और आधार की बात करेंगे तो जाएगा लंब है एपी और बटा आधार जो है वो है पीई। वैसे बराबर इस त्रिभुज अब एओसी में आ जाए तो इसका लंब है एओ और बटा जो आधार है वो है ओसी। क्लियर हुआ? अच्छा, एपी का मान, एपी एपी है 6 सेंटीमीटर, तो एपी की जगह पर 6 बटा पीई, पीई को हमने आर टू माना है तो यहां पर आर टू लिख लेंगे। बराबर एओ, ए से ओ तक की दूरी, ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, ये 12 हो जाएगी, और बटा ओसी, ओसी देख रहे होंगे 8 सेंटीमीटर है तो यहां पर 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 कटेगा, तो यहां पर बचेगा 1 बटा आर टू बराबर 1/4, तो आर टू बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो अब हम यहां पर नोट कर लेंगे कि शंकु या छोटे शंकु, छोटे शंकु के आधार की त्रिज्या आर टू बराबर 4 सेंटीमीटर। तो छोटे शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है? छोटे शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। वैसे ही अब बात करेंगे छिन्नक की, तो यहां पर लिखेंगे कि छिन्नक की बड़ी सिरे की त्रिज्या, छिन्नक के बड़े सिरे की त्रिज्या आर वन बराबर 8 सेंटीमीटर मानिए, यहां पर 8 सेंटीमीटर है। वैसे छिन्नक की छोटी सिरे की त्रिज्या आर टू, और आर टू बराबर आया है 4 सेंटीमीटर, तो आर टू बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों मान के दोनों जो ऊंचाइयां हैं वो दोनों बराबर हैं, इसलिए इसकी अगर h है तो उसकी भी h ही मान ली, अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। तो अब सारी दूरियां नोट हो चुकी हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो बताया गया, इसमें पूछा गया था कि शंकु, जो छोटा शंकु है उसका आयतन और जो छिन्नक है उसका आयतन, दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे कि छोटे शंकु का आयतन बटा छिन्नक का आयतन, क्योंकि बार बार इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसकी वजह से छोटे शंकु के आयतन को V1 लिख लें और बड़े शंकु के आयतन को V2 लिख लिया जाए। बराबर फार्मूला लाएंगे छोटे शंकु के आयतन के लिए, फार्मूला होता है वैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर आप देख रहे होंगे छोटे शंकु की जो त्रिज्या है वो आर टू मानी है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच बटा जो छिन्नक का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू और इंटू एच। क्लियर हुआ? तो यहां से 1/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, एच और एच भी कट जाएगा, तो यहां पर आएगा V1/V2। तो V1/V2 बराबर ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बटा
नीचे हो रहा है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। अब यहां पर मान लगाएंगे तो वी वन बटा वी टू बराबर आर टू का मान चार है, तो ये हो जाएगा चार का वर्ग बटा आर वन का मान आठ है, तो हो जाएगा आठ का वर्ग प्लस आर टू का मान चार, तो चार का वर्ग और प्लस आर वन का मान आठ इंटू आर टू का मान चार। क्लियर हुआ? बस इसी को हल करना है, तो ये हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू बराबर, तो चार का वर्ग हो जाएगा सोलह और बटा आठ का वर्ग अठे चौसठ प्लस चार का वर्ग चार चकू सोलह प्लस ये हो जाएगा आठ चकू बत्तीस। तो वी वन और बटा वी टू बराबर तो सोलह बटा और ये हो जाएगा दो और छ आठ, आठ चार बारह के दो हासिल लगा एक, तीन एक चार, चार एक पाँच, पाँच और छः ग्यारह। आप जानते हैं सोलह एक कम सोलह, सोलह सती एक सौ बारह होता है, तो वी वन बटा वी टू बराबर एक बटा सात या वी वन अनुपात वी टू बराबर एक अनुपात सात। जो पूछा गया था संघ छोटे संघ और छिन्नक के आयतन का अनुपात, तो वी वन अपॉन वी टू बराबर एक अनुपात सात हो जाएगा। तो अब समझ में आपका प्रश्न ये क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको कोई समस्या है तो भी आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, तो समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर आप 15 से 20 मिनट की भी अगर क्लास देख रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो आप तो ये मान के चलिए आपको ये इसका फल जो है वो रिजल्ट में देखने को मिलेगा। आपके नंबर कम आएंगे तो आपको लगेगा कि अगर 15-20 मिनट की अगर क्लास भी देख ली होती तो शायद नंबर अच्छे आ गए होते। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो पूरा ही देखेंगे। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद क्लास।